अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। अब दोस्तों, इसमें एकादशी कौन थी, एकादशी के बारे में पूरा समझाया गया है, अर्जुन पूछे हैं, तो चलिए हम बताते हैं। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य ने सभी देवताओं को भयभीत करके रखा था। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र से ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर कि विष्णु भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे थे, गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे देवताओं, हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही तो हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है, कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवता, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता ही रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगता था। वह आपस में मल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने लगे। भगवान उसमें चले गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरे देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या का उत्पन्न हुआ और कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के शस्त्र और अस्त्र के टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस समय कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट कर यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इससे तू अपने इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली,
हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो व्रत मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। ईश्वर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि की प्राप्ति होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ, समझे, एकादशी जो थी वो विष्णु भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज आठे नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल के फल में से महान होगा, यह तेरा कथन सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों दानों व्रतों के फल में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं मानना चाहिए। विष्णु धर्म के महान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हम एकादशी के बारे में एकादशी का महत्व बताए हैं और ये निर्जला एकादशी का कथा नहीं था। इसमें सिर्फ ये था कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, एकादशी कौन थी और एकादशी करने से क्या होता है। तो दोस्तों, हम एकादशी का जब उत्पन्न हुआ तो एकादशी का ही कथा हम एक और एकादशी का भजन सुनाएंगे, पर इसमें नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, हर हर महादेव अब रखते हैं और एकादशी का बुक का कथा आप लोग सुना रखते हैं। बाय दोस्तों, नमस्ते, बाय दोस्तों।